सो गाइस, जस्ट एन अपडेट कि मेरी हैमस्ट्रिंग में इंजरी हो चुकी है, क्योंकि मैं जिम गया था एक दिन, तो मैं वहाँ पे ऐसे ही फुल स्प्लिट की प्रैक्टिस कर रहा था एंड फुल स्प्लिट कर रहा था, तो एकदम से मेरा हैमस्ट्रिंग खिंचा एंड उस वक्त मुझे थोड़ा सा पेन हुआ, तब वो काइंड ऑफ इग्नोर हो गया, ठीक है कोई नहीं, हो जाता है कभी बार, खिंच गई मसल। देन नेक्स्ट डे मैंने लेग्स किए, उस दिन भी मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा, नेक्स्ट डे सैटरडे था, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा, मैंने कहा चल कोई नहीं कर लेते हैं। मेजरली मैंने क्वाड्स, मतलब जो फ्रंट पार्ट ऑफ द लेग्स होता है, उस पर फोकस किया, हैमस्ट्रिंग्स पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, वर्कआउट निकल गया। बट फिर शाम को मैं हमारे फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेलने का प्लान बन रहा था और मैं नहीं जा रहा था, बट जो श्रेडिट कृष्णा, जो आप मेरे लास्ट वीडियो में देखा था, उस बंदे ने मुझे बोला भाई क्या बोरिंग जिंदगी है तेरी, फुटबॉल तू खेलता नहीं है, पहले खेला करता था, अब तू पूरा दिन वीडियो एडिट करता रहता है। तो मेरे को ना वो बात दिल पे लग गई, तो मैं फुटबॉल खेलने चला गया और मैं फुटबॉल खेलने गया। मैंने जैसे ही पहला रन लिया, और मैं बहुत टाइम बाद गया था फुटबॉल खेलने, लाइक 4-5 मंथ्स बाद, मैंने जैसे ही पहला रन लिया मेरे को पता लग गया भाई ये चीज़ जाएगी गलत आज। बट हमारा किसी टीम के साथ मैच लगा हुआ था, तो मैं बैकआउट भी नहीं कर सकता था और हमारे पास कोई एक्स्ट्रा प्लेयर भी नहीं था, तो मुझे खेलना पड़ा ज़बरदस्ती। एंड बीच में एक टाइम आया कि मेरे सामने से बॉल जाती, मैंने एकदम से स्ट्रेच किया एंड वो इतना गलत मेरे को फील हुआ, मैं भाई वहीं बैठ गया कि अब मैं नहीं खेल सकता। एंड लकीली एक एक्स्ट्रा प्लेयर भी हमें वहाँ मिल गया था, तो गेम तो स्टॉप नहीं हुआ, बट मेरी हैमस्ट्रिंग की लग गई है। एंड एटलीस्ट आई थिंक 2 हफ्ता, तो मिनिमम 3 हफ्ता भी हो सकता है कि मुझ में लेग्स नहीं कर सकता। हैमस्ट्रिंग तो बिल्कुल भी नहीं, शायद क्वाड्स के लिए लेग एक्सटेंशन कर पाऊँ, लेकिन और कुछ नहीं कर सकता। एंड ये मेरे लिए तो बैड न्यूज़ है, लेकिन त्यागी के लिए ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये भी लेग्स नहीं करता, तो अब इसको भी सपोर्ट मिल गया। लेग्स से पूरी लास्ट परसों। अच्छा, तो राइट नाउ अर्ली मॉर्निंग टाइम हो रहा है, 7-7:10 कुछ, एंड जिम जा रहे हैं। वी विल बी डूइंग बैक एंड बाइसेप्स करने, विल बी डूइंग बैक एंड बाइसेप्स। बहुत धूप आ रही है, नींद आ रही है यार, कुछ करते हैं क्या, करते हैं चिल्लाते, शीशा खोल के चिल्लाए, पुलिस वाले पकड़ लेंगे, भैंस चुप लेंगे, प्री वर्कआउट की जरूरत नहीं, प्री वर्कआउट आसपास कुछ भी नहीं है, प्री वर्कआउट की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेलेंगे वैसे ही चार्ज बन जाएंगे, नहीं पेलेंगे, मैं चिल्लाते हैं, चिल्लाते हैं चल, खाना भाई, नींद आ रही है बहुत तेज। अरे मैं हम इंस्टाग्राम पे जो भी वीडियोस या फिर वैसे ही जो भी जिम की वीडियोस डालता हूँ, सब लोग बोलने लग गए कि भाई जब से जिम चेंज किया जिम में काफी हरियाली आ गई है, मेरे इंस्टा पे कमेंट्स पड़ी है एक बार। हाँ पढ़े थे मैंने, सब लोग कह रहे हरियाली, ऐसा कुछ नहीं है, ये हरियाली समझ जाओ, ये वाला जिम है जिससे पहले से क्राउड अच्छा है। हाँ मतलब हरियाली मतलब क्राउड अच्छा है, ऐसे नहीं पेड़ पूड़ हो गए भाई, समझ गए होंगे वैसे लोग, ग्रीनरी नहीं है वहाँ। यार क्या यार, एकदम से धूप आ जाती है। हाँ तो जिम में भी काफ़ी अच्छी मोटिवेशन है, बट बहुत ज़्यादा क्राउडेड जिम है, बहुत हद से ज़्यादा क्राउडेड जिम है, मतलब मशीनों के लिए लड़ना पड़ता है। हम तो देखो बदतमीज़ हैं, हम तो लड़ लेते हैं, बट स्टिल जिम बहुत क्राउडेड है, बट जो क्राउड है उसमें से जो क्राउड जो हमें चाहिए भाई, वो अच्छा हम है। ऐसे जिम से निकल के आए थे, हमें भंडारा लगा होता था, याद है कौन सा जिम फ्लेक्स। हाँ हमें आदत है भाई, हमें आदत है यार, हम थोड़े बदतमीज भी हैं, छीन लेते हैं मशीनें। बट अब ऐसा है कि इस जिम में बैलेंस है थोड़ा सा गर्ल्स एंड बॉयज का, तो दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि इससे पिछले मैं एनी टाइम जहाँ जाता था वहाँ गिन के एक या दो लड़कियाँ आती थी, मतलब लगा लो लोग ही कम थे, वैसे तो 20 लोग आते थे, 20-22 लोग आते थे, उसमें से 20 लड़के होते थे, एक दो लड़कियाँ होती थी, तो ऐसा नहीं, 22 लोग आते थे, जिनमें दो एक लड़का और एक लड़की ट्रेन करते थे, 20 लोग नाचते थे। हाँ वहाँ डांस प्रैक्टिस ज़्यादा होती थी, तो क्या कह रहा था मैं, तो अभी चलते हैं भाई जिम। एंड मैं तो ठीक ठीक फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 1 बजे करीब सो गया था एंड 6:30 उठा, तो 5.5 घंटे की नींद भाई अपने को तो आदत हो गई है, एंड देखो भी आदत हो गई होगी, बट ठीक है। और हाँ, दिस इज़ माई प्री वर्कआउट भाई, थोड़ी प्रमोशन करनी पड़ेगी हर वीडियो में, बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई दिस प्रोडक्ट, दिस इज प्री गेयर, खाली पानी है, प्री गेयर फ्रॉम गेयर एसेंशियल, खाली पानी भाई, मतलब इसमें मिलाया हुआ है ना। एंड गाइज ये ऐसा नहीं कि भाई इसी प्रोडक्ट से भाई इसी से मजा आएगा, इसी से बॉडी बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट दिस इज द प्री वर्कआउट दैट आई एम यूजिंग एंड दिस इज द बेस्ट प्री वर्कआउट दैट आई हैव यूज्ड टिल नाउ। एंड मैंने त्यागी को भी दिया आज से 1 महीना पहले, नहीं एक स्कूप, तो तेरे को क्या डब्बा भाई, इतना बड़ा कि बनके दिखा रहे, त्यागी को भी दिया 1 महीना पहले, अबे स्कूप दिया ना, अबे त्यागी को भी दिया 1 महीना पहले, वो तो कुछ और दिया था मुंह में, अबे एक स्कूप इसका मुंह में दिया था, पागल है क्या, क्या बोल रहा है।
हाँ तो इसको भी सही लगा, तो इसने तब बोला था कि भाई सही है ये, मतलब प्री वर्कआउट चाहिए, तो इसने कल भी, कल ही मंगवाया है ये वाला प्री वर्कआउट, तो ठीक है। तो मतलब देख रहे हो ऑनेस्ट कस्टमर फीडबैक की इसने ट्राई किया। सही बताऊं क्या है इसमें ना, जैसे मैंने पिछले वाला ट्राई करा था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका प्रोडक्ट का, लेकिन उसमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाती थी, पेट दर्द होता था काफी कुछ हरकत, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये स्ट्रॉन्ग है, इफेक्टफुल है, एक्सपर्ट त्यागी अपने वो देते हुए। एक्सपर्ट तो बट एक जेन्युइन कस्टमर रिव्यू है, मैं सच बताऊं तो ठीक है, इसको भी सही लगा, तो यू गाइस कैन ट्राई इट। एंड अगर नहीं लेना, पैसे की कमी है, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट, हम भी कॉलेज टाइम पे थोड़े से पर्टिकुलर रहते थे कि भाई कौन से सप्लीमेंट खरीदने, तो मत खरीदो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा नहीं कि इसी से भाई कोई मैजिक है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो लोग हैं जो अर्ली मॉर्निंग ट्रेन करते हैं, या फिर लैक ऑफ स्लीप, कॉलेज से आना, जॉब से आना, भाई हालत खराब हो जाती है, मुझे पता है, तो तब तो ये यू नो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, आपके वर्कआउट की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी, यू नो यू गेट ऑल चार्ज्ड अप, उनकी भाई पेल दूंगा आज तो पैंकर जो मर्जी आया, तो मतलब उस हिसाब से सही है। सो यू कैन ट्राई इट। सो गाइस ये चमत्कार हो गया यहाँ पे, बहुत बड़ा मतलब नेक्स्ट लेवल चमत्कार हो गया। त्यागी पहली बार डीओ लगा रहा है, मतलब मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ, पहली बार मैंने इसे डीओ लगाते हुए देखा है भाई ये कैसे कैसे भाई, ये एस्थेटिक डीओ है भाई, इसको जहाँ लगाते ना वहाँ की मसल ग्रोथ होती है, मतलब जहाँ लगोगे मसल, मैंने लैट्स पे लगाया, बैक करेंगे ना, हाँ कोबरा, आज कोबरा निकल रहा है, मतलब जहाँ लगाओगे वहाँ वो चीज बड़ी हो जाएगी, वो चीज बड़ी रहेगी, खोलिए उसको एक बार, मतलब जहाँ लगाओगे वो चीज बड़ी हो जाएगी। तो गाइस गाड़ी पार्क हो गई है, नाउ लेट्स गो टू द जिम। Done with the workout and मजा आया, but अभी भी मेरे hamstring में pain है, और यहाँ पे बिल्कुल अंदर की side pain है, and normal benches में जब मैं बैठ रहा था तो मुझे pain हो रहा था, तो थोड़ा सा uncomfortable है अभी, but I think 2 हफ्ते कुछ में ठीक हो जाएगा, so I'm gonna skip leg day tomorrow, कल leg day है, and अभी time हो रहा है 9:30, same old routine, 9:30 मैं घर जाऊँगा, तैयार होऊँगा, then office में मेरी 11:30 से 8 की shift है, I'll do that, then I'll come back home, so क्या की गाड़ी है मेरा भाई, सो नाउ विल गो होम एंड आई विल सी यू लेटर। एंड गाइस आप में से काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि थोड़ा सा कंसिस्टेंटली और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मैं अपलोड करूँ वीडियोस एंड माय चैनल विल ग्रो देन। मेरे को बहुत लोग जितनी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ अप्रिशिएट करते हैं एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट, मतलब अच्छा लगता है, लोग कमेंट्स में भी और इंस्टाग्राम पे भी डीएम करते हैं कि भाई मोहित आई लव योर वीडियो, मेरे को लेटली बहुत ज़्यादा डीएम्स आने लग गए हैं, एंड अगर मैंने सबको रिप्लाई ना भी किया हो तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, बट अभी इस वीडियो में आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी पर्सन जो आके कमेंट करता है, मुझे बताता है कि दे लाइक माय वीडियोस, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब आप ना भी बताओ आपको पसंद आई तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे सपोज किसी की वीडियो पसंद आ गई, मैंने उसे ना बोला, नहीं बोला कमेंट में कि मुझे पसंद आई, बट मुझे अंदर पसंद आ गई, बट अगर आप आके सामने बोल रहे हो ना तो इट एक्चुअली फील्स गुड, एंड मुझे अच्छा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कि व्हाट आई एम डूइंग इज जस्टिफाइड, कि भाई लोगों को, जिन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ उन लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ना ऐसा भी लोग होते हैं कि जो मजाक उड़ाते हैं, होते हैं ऐसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट बहुत कुछ लोग टॉन्ट मारते हैं, भाई वीडियोस बनाता है तू, अच्छा बहुत बड़ा यूट्यूबर है, ऐसे थोड़े ना छोटे छोटे मजाक करते हैं, नथिंग सीरियस, बट वो कभी कभार बातें ना दिल पे लग जाती है कि भाई कि इज इट जस्टिफाइड, कि मैं जो कर रहा हूँ कि वो सही है कि नहीं, बट जब आप लोग ऐसे आगे कॉमेंट्स करते हो
डीएम में या यूट्यूब पे भी, तो बहुत अच्छा लगता है. देन आई फील तब उन लोगों के लिए मिडिल फिंगर होती है कि भाई साइड हो जाओ, माय ऑडियंस इज एंजॉयिंग व्हाट आई एम डूइंग. तो एंड वही चीज मैटर करती है. सो जो लोग मतलब आप लोगों में से आप सब बोलते हो कि मुझे और फ्रीक्वेंटली अपलोड करना चाहिए, देन माई चैनल विल ग्रो, बट गाइज यू ऑल्सो नीड टू रियलाइज दैट आई हैव अ जॉब, आई हैव अ 8 to 9 hours जॉब, उसके ऊपर 3 घंटा ट्रैवल में निकल जाता है, तो मेजॉरिटी ऑफ द डे उसमें निकल जाता है. प्लस आई एम ओनली स्लीपिंग 5 to 6 hours a day. ये बात आपको पता है, नए हैं उनको पता लग गई है. सो बाकी टाइम आई एम इन द जिम, जिम में भी थोड़ी बहुत वीडियोज मैं इंस्टाग्राम के लिए रिकॉर्ड कर लेता हूँ. तो यू नो माई एंटायर डे इज पैक्ड, उसमें भी बीच बीच में जैसे अभी का टाइम मैं घर जा रहा हूँ, यू नो आई एम रिकॉर्डिंग, मेरे हाथ में कैमरा, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. तो जहाँ भी मुझे टाइम मिल रहा है ना, आई एम यूटिलाइजिंग इट फॉर यूट्यूब. मतलब आई एम गिविंग माई एफर्ट्स, बट आई नो कि मुझे थोड़ा सा और फ्रीक्वेंट होना पड़ेगा. यू नो माई लाइफ इज ऑल अबाउट राइट नाउ इट्स ऑफिस, जिम, यूट्यूब वीडियोज, एडिटिंग, वीडियो बनाना और वीडियो एडिट करना. तो उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है एंड आई डोंट हैव टाइम टू डू एनीथिंग एल्स, ट्रस्ट मी. मतलब मैं कोई बाहर पार्टी वार्टी करने नहीं जाता एज सच, कोई ज़्यादा घूमने नहीं जाता, वंस इन अ वाइल चला गया, बट बहुत कम. मेरा खेलना कूदना काफ़ी कम हो गया. यू नो पहले आई यूज़ टू, कोई भी छुट्टी होती थी शाम को आई यूज़ टू प्ले, फुटबॉल खेलने चले गया, क्रिकेट खेलने चला गया, बट यू नो अब शाम का टाइम आई एम यूटिलाइजिंग यू नो टू एडिट माई वीडियोज. तो मुझे ऐसा लगता है कि अब प्रायोरिटी बेसिस पे लिस्ट करूँ कि कौन सा मतलब कौन सी चीज़ है कि मैं अपने रूटीन से हटाऊँ ताकि आई कैन गिव यू नो मोर टाइम टू यूट्यूब. तो ऐसी जो मैंने आपको अपना दिन बताया, तो ऐसी कौन सी चीज़ें दैट विच इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माई लॉन्ग टर्म सक्सेस. एंड मैं खुद ऐसी सोच रहा था ये बात, ठीक है. तो आई थिंक दैट जो भी मैं दिन में कर रहा हूँ सारी चीज़ें यूट्यूब के लिए या मेरी फिटनेस लाइफस्टाइल प्रमोट करने के लिए हेल्प कर रही है, एक्सेप्ट फॉर माई जॉब. क्योंकि जो मैं जॉब कर रहा हूँ, आई यू नो आई डोंट सी माई सेल्फ सक्सीडिंग इन दैट फील्ड इन लॉन्ग टर्म. सो वो मुझे ऐसी एक चीज़ लगती है कि जो यू नो इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माई लॉन्ग टर्म सक्सेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दैट मैं और ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर पा रहा हूँ फॉर माई वीडियोज़. मैं और भी कर सकता हूँ, बट अगर वो पार्ट हटे तो ही मैं और कर पाऊँगा ना, अदरवाइज क्योंकि मेरा दिन पूरा पैक्ड है. तो यू नो दिस इज समथिंग आई रियली वॉन्टेड टू शेयर ऑन माई चैनल, बिकॉज ये चीज़ मेरे दिमाग में चलती रहती है. तो यू नो being completely you know transparent and honest on my channel. तो अभी भाई अभी almost में हम घर पहुंच गए हैं, तो let me get ready and get to office, then I'll talk to you. So guys, I have my YouTube and I have my job. So job say I'm getting money and we need money to sustain, right? But from YouTube, the amount of money that I'm getting is too low. And आपको idea भी लग जाएगा, because the amount of views that I have is too low. And you know, उस money से I cannot sustain, YouTube money से I cannot sustain myself. And it's not enough. मतलब in short में बोलूँ तो it's not enough. But from job I'm getting money, but I'm not enjoying my job because वो मेरी long term growth में मेरी help नहीं करेगा. But YouTube is one thing I enjoy and जो मेरी long term growth में भी मेरी help करेगा. So you know I have been balancing this since 2 years, but obviously मैंने आपको बताया कि now I think it's time for me to give all in to my YouTube, and you know honestly I think that I can pull it off. I think that YouTube is love. You know, speaking in front of the camera is something I really enjoy, and मुझे बहुत मज़ा आता है to connect with you guys. So, I mean, that's one thing that is you know really pushing me to you know quit my job and do full time YouTubing. But you know, बहुत सारे factors consider करने पड़ते हैं, because it's life, man. It's not that easy, and money is one of the biggest factors involved here. Plus, आप लोगों को पता होगा दैट आई हैव स्लिप डिस्क. कोई नया सब्सक्राइबर है तो लेट मी टेल यू दैट आई हैव अ स्लिप डिस्क इंजरी, एंड 2-3 साल पहले हुई थी वो इंजरी, एंड आई हैव नॉट रियली रिकवर्ड. एंड मैं बाकी लोग जिनको स्लिप डिस्क है उनसे बात करता हूँ ना, तो दे हैव कंपैरेटिवली लेस पेन, एंड उनकी रिकवरी मुझसे ज़्यादा अच्छी हुई है, बिकॉज
उनकी जितने भी लोगों से मैंने बात करी है उनकी सिटिंग जॉब नहीं थी, दे डोंट हैव टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स, बट फॉर मी आई हैव 8 to 9 hours ऑफ जॉब प्लस मुझे 3 घंटे अपने कैब में भी बैठना होता है. सो बहुत ज़्यादा देर बैठना एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा बैठूंगा तो थोड़ा सा पॉस्चर खराब होगा. ऑल्दो आई ट्राई टू मेंटेन अ गुड पॉस्चर थ्रू आउट बट थोड़ा बहुत पॉस्चर खराब होता है एंड यू नो उसने इफेक्ट करा है मेरी स्लिप डिस्क इंजरी से, मेरी रिकवरी को स्लो डाउन करा है. तो दैट्स अनदर फैक्टर दैट आई एम कंसिडरिंग दैट इज ऑन माई माइंड टू क्विट माई जॉब ताकि मेरी स्लिप डिस्क की रिकवरी भी और स्पीड अप हो जाए. बिकॉज इट्स नॉट ओनली फिजिकल पेन गाइज, इट्स मेंटल टू. बहुत यू नो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन होती है. आई डोंट स्पीक टू मच अबाउट इट, मैं अपनी फैमिली फ्रेंड से नहीं बोलता उस बारे में, बट इन मेनी केसेस ऐसा हुआ है कि मुझे पेन हो रहा है एंड यू नो वो मन में फिर वही बात चलती है ना, यू नॉट इन्जॉइंग कि आपके आसपास क्या चल रहा है, आपके मन में वही चीज़ चल रही होती है, तो इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग. सो दिस इज समथिंग वट आई हैड टू से, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू ऑल्सो कॉमेंट ऑन बिलो कि आप क्या सोचते हो. प्लीज़ गाइज बी जेन्युइन, बी ऑनेस्ट एंड ड्रॉप डाउन योर कॉमेंट्स. मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ूंगा. मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हो. आई हैव टोल्ड यू माई व्यू अबाउट इट एंड यू नो एक अंदर से आवाज़ आ रही है कि दैट आई कैन रियली रियली पुल ऑफ दिस यूट्यूब थिंग बिकॉज दिस इज समथिंग आई लव, दिस समथिंग आई एन्जॉय, बट बहुत सारे बाकी फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं. सो ऑब्वियसली आई विल कीप माई लाइफ ओपन टू यू ऑल वाया यूट्यूब वाया दिस कैमरा एंड आपको पता लग जाएगा हाउ माई लाइफ अनफोल्ड्स. बट ये चीज़ मेरे दिमाग में थी. सो यू नो गाइज ड्रॉप डाउन योर कॉमेंट्स, व्हाट डू यू गाइज थिंक एंड यू नो ऑल दिस जो मैंने बोला दैट केम स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. सो लेट मी नो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अब लेट हो रहा हूँ, हैव टू रश टू ऑफिस. जो अभी आपने पहले वीडियो देखी वो कल की थी, नाउ इट्स द नेक्स्ट डे मॉर्निंग, टाइम हो रहा है 9:40. सो आई विल सी यू, बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी. दिस इज मोहित बेस्ट फ्रॉम फिट इंडिया.